अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स। आप आज हमारे पास HP का लैपटॉप है, लाइट बुक 39 30 पी। मसला यह है कि ये डिस्प्ले तो दे रहा है लेकिन काफ़ी बहुत डिम है, डार्क डिस्प्ले है, देख सकते हैं आप। आपको मैं दोबारा भी चेक कराऊंगा, दोबारा आपको मैं चेक कर देता हूँ। इसका डिस्प्ले है लेकिन काफ़ी डिम है, डिस्प्ले दे रहा है लेकिन बहुत डिम दे रहा है। इस लैपटॉप की जो LCD है, इसका लैंप ख़राब है। इसका लैंप आज हम चेंज करने वाले हैं। स्क्रैप में दूसरी LCD है, स्क्रैप में ये टूटी हुई है लेकिन इसका लैंप जो है बिल्कुल ठीक है। ओके, देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन तो टूट चुकी है लेकिन इसका लैंप हमारे काम आ सकता है। इसी लैंप को हम निकाल कर उस LCD में लगाएँगे, लैपटॉप के LCD में लगाएँगे। स्क्रीन को आपने खोल लेना है, धीरे धीरे से खोलने लेना है, आराम से, तो जल्दी नहीं करनी आप लोगों ने, बिल्कुल आराम से खोलना है। मेरे पास कट ब्लेड है, इसकी जो टाइप लगी हुई है सेफ्टी के लिए, LCD की सेफ्टी के लिए इसे काट लेना है आपने। साइड पर भी टाइप लगी होती है LCD की सेफ्टी के लिए, इससे LCD मजबूत रहती है। बिल्कुल आराम से आप लोगों ने काम करना है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ये जो काम है बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी आप लोगों ने। इसका जो सिल्वर का ऊपर कवर होता है वो निकाल लेते हैं। सिल्वर की एक पट्टी लगी हुई होती है LCD की चारों तरफ, जिसके छोटे छोटे सिल्क को हटाने LCD खुद बखुद निकाल आएगी। जैसे मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह काम करना है। जल्दी तो बिल्कुल नहीं करनी आप लोगों ने। इसके चारों तरफ छोटे छोटे लॉक होते हैं, वो आपने हटा लेने हैं बिल्कुल आराम से, आहिस्ता। ये मैंने हटा लिए हैं, आपको LCD निकाल कर दिखाऊंगा इससे स्क्रीन। मैंने स्क्रीन इससे निकाल ली है, ये स्क्रीन हमारी ख़राब है, इसको तो हम साइड में फेंक देते हैं। और ये जो लैंप है ये हमारे काम का है, ये लैंप हमारे काम आ सकता है। अभी इसी लैंप को लगाएंगे उस LCD में, तो इस LCD को भी वैसे ही खोल लेना है आपने, जैसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाई है। अच्छा, तो आप लोगों ने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, इसको बहुत आराम से खोलना है क्योंकि ये हमारी स्क्रीन ओके है। आपने अगर जल्दी की तो डैमेज भी हो सकती है। इसकी टाइप हटा लेनी है, ये LCD की सेफ्टी के लिए लगी होती है। इस LCD को आपने बिल्कुल आराम से खोलना है, बहुत एहतियात से इसकी भी टाइप काट लेते हैं। के दोनों साइड पर एक एक स्क्रू लगा हुआ है छोटा सा, वो आप लोगों ने निकाल लेना है। ये मैंने भी निकाल लिए। इस पर लिख भी दिया है कि लाइट का मसला, क्योंकि ये पहले किसी मिस्त्री के पास गया था, उसकी तरफ से आया मुझे, तो उसने चेक किया है, ऊपर लिख दिया है लाइट का मसला है।
इस एलसीडी को आपने बिल्कुल आराम से निकाल लेना है। आप लोगों ने जल्दी तो बिल्कुल नहीं करनी, बहुत एहतियात से निकालना है, क्योंकि स्क्रीन आपको पता है बहुत नाजुक होती है। मैंने सिल्वर कवर हटा दिया इसे, अब इसमें स्क्रीन भी निकाल लेते हैं। स्क्रीन को आपने बिल्कुल आराम से निकालना है। मैंने स्क्रीन ऊपर उठा दिया, इसको साइड पर रख देना है सेफ जगह पर, ताकि ये डैमेज ना हो सके। अब ये लैंप ख़राब है, ये हमारा अब किसी काम का नहीं है। मेरे ख्याल से ये टूट भी चुका है अंदर से, देख सकते हैं आप। इसको फेंक देते हैं साइड पर, ये भी किसी काम का नहीं है। अब जो हमने पुरानी एलसीडी से डैमेज से लैंप निकाला था, ये ले हमने, और इस पर स्क्रीन लगा देते हैं जो हमारी ओके स्क्रीन है। मैं इस पर लगा देता हूँ स्क्रीन। आप लोगों ने बिल्कुल ये काम बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि बहुत नाजुक काम होता है ये स्क्रीन वाला। आप लोगों ने ये कवर भी लगा लेना है ऊपर, ये बहुत एहतियात से लगाना है। ये कवर ऊपर मैं लगा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो स्क्रीन डैमेज हो सकती है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया, अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अपने ख्याल से करना है ताकि स्क्रीन पर जोर ना आए, क्योंकि स्क्रीन डैमेज हो सकती है। ये मैंने लैंप लगा दिया अब इसमें, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा लैपटॉप जो है इसकी स्क्रीन ठीक हुई है या नहीं। आपने टैप दोबारा फिर उसी तरह लगा देनी है, थोड़ी सी स्क्रीन पे सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने LVDS केबल भी लगा देता हूँ। केबल को लगा कर चेक करते हैं कि हमारा डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। इसे चेक कर लेते हैं, मैं DC चार्जर लगा देता हूँ इसे, और ये मैंने कर दिया पावर बटन प्रेस। हमारा लैपटॉप ऑन तो हो चुका है और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। हमारा डिस्प्ले आ चुका है, स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है, विंडो भी ऑन हो रही है। हमारा जो मसला था लैंप का मसला था, आपने बिल्कुल इसी तरह काम करना है। हमारी विंडो भी ऑन हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। हमारी विंडो ऑन हो चुकी है, ऑन हो रही है, और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, लाइट भी ऑन हो गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।